एक प्रेम की गंगा बहती है। प्रेम किया तो नहीं पर पाया, प्रेम के बिना परमात्मा कहाँ मिल सकता है। प्रेम ही तो एक परम दशा है, ये प्रेम ही तो नहीं मिलता। इस प्रेम के अंदर हम मिक्स कर दिया है, इसमें भी पॉइजन घोल दिया है। प्रेम भी आज बिल्कुल साफ सुथरा नहीं मिलता, उसमें भी मिक्स हो गया, इसलिए आदमी भटक गया। आदमी किसके कारण? अपने कारण से भटका, किसी कारण से नहीं भटका। दर दर भटके, ठोकर खामे, लोभी कपटी कामे। दर दर वही भटकता है जिसके मन में लोभ होता है, कामना होती है। दर दर भटके, ठोकर खामे, वो ठोकर खाता है। जैसे एक बूंद सागर से बिछड़ती है, लाखों पत्थरों की ठोकर खाती खाती समुद्र मिलने के लिए परेशान होती है। जब तक सागर मिलना जाए, जब तक बूंद को शांति कहाँ मिलती है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, क्या करें बाबा जी, शांति नहीं मिलती। शांति तो मिलती है, लेकिन तुम बीच में खड़े हो, हट जाओ बीच में से, फिर शांति ही शांति है। दर दर भटके, ठोकर खावे, लोभी कपटी कामी। जिसके मन में कपट होगा, जिसके मन में कामना होगी, वही भटकता नहीं। क्यों भटक गया आदमी? रोटी तो दो ही मिलनी है, परिश्रम करोगे तो मिल ही जाएगा। आज तक नहीं तो ये जायदाद किसी के साथ गई है, ना जाने के जितना खा लिया, कमा लिया, पहन लिया, ओढ़ लिया, वो तुम्हारा है। दर दर भटके, ठोकर खामी, लोभी कपटी कामी। अरे सभी दुनिया है उसी की मालिक, वो ही तो है सबका स्वामी। ये चंचल मन जब बस में आए तो कौन करे अपराध अपने मन को। बोलो जय श्री राम। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने आप ही आए मिलेंगे, वे सतगुरु तो है मन के मीत। सतगुरु कभी नहीं दूर तेरे से, अगर तेरे होवे प्रेम अगाध अपने मन को। जय राम जी कहना पड़ेगा, यही गुरु की परिभाषा होती। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। जहाँ जहाँ काद कीर सेवक की, तहाँ तहाँ उठ ध्यावे। सेवक को निकट हो दिखावे, तेरा मार्ग दे। लेकिन जो जो कहे ठाकुर पे सेवक, फिर तत्काल हो आवे। गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए, ना है मोहनदास की सीख सुन, यही राख मन मान, इतना ही काफी होता है। मन के अंदर स्वर्ग नरक है, मन की अद्भुत काया। इस मन के अंदर स्वर्ग नरक इसी में है, एक हाथ में स्वर्ग है, एक हाथ में नरक। जब चाहो तो पैदा कर लो। नरक का अर्थ है मेरी मर्जी, मैं महत्वपूर्ण, मैं जानता हूं कि नरक हो गया। तो स्वर्ग क्या है? कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण करता। क्या लागत है? बोलो जय श्री राम। खाना नहीं मिलाना भी कोई नहीं। जय श्री राम। बात तो अब बनेगी। ऐसे भाई बहनों, मन के अंदर स्वर्ग नरक है, मन की अद्भुत काया। मोहनदास के ध्यान लगा कर देखो, यहाँ कौन अपना कौन पराया। मन निगरे में छुपा हुआ ये प्रकृतियों का स्वाद अपने मन को। जय राम जी की। एक प्रेम की गंगा बहती है, यही गंगा है। एक गंगा तो है जो आपका बाहर का मैल उतारती है, लेकिन ये असली गंगा है सत्संग रूपी, जिसमें आपके पसीना भी आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में एयर कंडीशन बन जाएगा। आगे के लिए सोचोगे तुम कि बाबा जी ने सर्दी में बुलाया करो, गर्मी मत बुलाया करो। पसीना आ गया बहुत, थोड़ी आदत डालो। अगर लेट चली गई तो फिर क्या करोगे? लाइट चलेगी तो फिर भी बैठना पड़ता है ना। मजबूर का नाम, मजबूर का नाम। तो अन्ना ने तो कृष्णा दिखाई दिया। ऐसे ही भाई बहनों, कितनी पब्लिक
कोई एयर कंडीशन लगा हुआ था वहां, वहां कोई पंखा लगा हुआ था, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग देशभक्ति के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए, किसके लिए? भ्रष्टाचार के लिए। तो पहले हम भ्रष्टाचार का नारा तो जब लगा सकते कि हम स्वयं भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए हम स्वयं भ्रष्टाचार को खत्म करें, तो हम खुद भी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तैयार हों। लेकिन हम खुद ही भ्रष्ट हैं, हम खुद ही शोषण कर रहे हैं, तो दूसरा आदमी क्या करेगा? कोई सिपाही आ जाए, रोक लेगा आपका स्कूटर को, 100 रुपये दे दो, छुटकारा हुआ। ये हो गया भ्रष्टाचार। गाड़ी का चलान के कल कर दे, पर्ची दे दे, लेकिन पर्ची नहीं, ये ले जा रुपया, छोड़ यार पीछा, हो गया भ्रष्टाचार। तो करप्शन तो हम खुद ही खराब कर रहे हैं हमारा। इसी प्रकार भाई बहनों, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि गुरु के चरणों में जो शांति प्राप्ति होती है वो कहीं भी नहीं मिलती। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है सब तीर्थों का, एक तीर्थ का नहीं सभी तीर्थों का, गुरुदेव तुम्हारे जन्म। मैं जन्म जन्म से अटका हूँ, अब शरण तुम्हारी आया हूँ, हम भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे जन्मों में। मैं भिक्षुक हूँ, तुम दाता हो, मैं भिखारी हूँ, तो देता है गुरु, लेता है वो गुरु नहीं होता, गुरु तो देता ही है। मैं भिक्षुक हूँ, तुम दाता हो, संबंध बनाने आया हूँ, मैं आपके साथ संबंध बनाने आया हूँ कि आपका और मेरा संबंध इस जन्म का नहीं, क्या मालूम कितना इस जन्मों से संबंध बना, जब आपका और मेरा संपर्क बना है, ऐसे थोड़ा ही बन सकता है। कई जन्मों से आदमी भट्ट करके सत्संग में बैठने से उनका संबंध बनता है, उसका प्रेम बनता है। प्रेम आग है, कौन जलाए आग में? भट्टी है। कभी देखना दो प्रेमी मिलते हैं, जब आंखों से आंसू बरसते हैं, प्रेमी गूंगा हो जाते हैं, वाणी खो जाती है, बोले तो घन शांति बरस रही है, वो तार टूट जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे के हाथ में हाथ मल सकता है, लेकिन प्रेमी गूंगा हो जाते हैं, बोल नहीं सकते, क्योंकि उसके भीतर से करुणा फूट रही है, उनके भीतर एक प्रेम की गंगा बह रही है। इसलिए दुख का दुख मिटाते हो, दुख दूसरों का लेकर आप सुख पहुंचाते हो। गुरु दूसरों का दुख लेते हैं और दुख लेकर के उनको सुख पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से मेरे जन्म शरण में जो छुटकारा जो आए तुम्हारे जन्म में, ऐसे ही सत्संग जी भगवान के घर में जा करके हम एक अपंग तुरंग चढ़े एक घर घर दौलत भीख भिखारी एक कुए कछती सु भोजन एक कुए के मिले नहीं सारी एक प्रिया संग विनोद करे एक बालक रोवत बिन में तारी कभी गंग कहे गिरी मेरे तरे पर कर्म किटे कतरे नहीं तारी। जो लिखा है हो ये जो रामरी सदा था को कर कर के पढ़ा भी था जो लिखा है वो होगा। तो कबीर अपनी माँ से कह रही है, माँ कबीर से कह रही है कि बेटा संगत संगतों की पा करके तूने बिगड़ गया, दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। कबीर ने ये नाम सुनाया नहीं था कि बिगड़ना क्या होता है। तो कबीर अपनी माँ से पूछता है, माँ ये बिगड़ना शब्द क्या है, मुझे मार्गदर्शन दो। कबीर बिगड़ी गयो राम कबीर बिगड़ी गयो राम कबीर बिगड़ी गयो राम ओ कबीर बिगड़ी गयो राम बिगड़ी बिगड़ी करी बिगड़ी बिगड़ी करी साधु होए कबीर बिगड़ी गयो राम कबीर बिगड़ी गयो राम
Thank you.
राम के कर का पूजा। कबीर कह रहा है माँ राम ही एक अनेक राम भय राम ही ज्ञान विज्ञान है दूजा। राम ही एक अनेक राम भय राम ही ज्ञान विज्ञान है दूजा। मोहनदास भई राम सभी में अंदर बाहर राम है दूजा। कबीर भी राम के प्रताप नंद लाल आप भले प्रभु। नाम के प्रताप सुत दशरथ को कहायो है। नाम के प्रताप पैद राखी प्रहलाद। नाम के प्रताप दोरो द्वारका से धायो है। नाम के प्रताप की ना महिमा मोसे कही जात। नाम के प्रताप सब संतन सिखायो है। नाम के प्रताप की ना महिमा मोसे कही जात। नाम के प्रताप सब संतन सिखायो है। कबीर की कबीर की माँ कबीर नहीं खाता है ना पीता है। माँ दुखी हो गई हाथ में थाल लेकर के खाना का और कबीर से कह रही बेटा कुछ खाते कुछ पी ले। कबीर के तब क्या खाऊं मैं मेरे खाने की कोई वस्तु नहीं है। राम नाम का आनंद का रस पी रहा है कबीर जो अमृत कुछ मिल गया ढेर क्यों खाएगा। कबीर की माँ रोती है ना खाता है ना पीता है क्या मुसी मुसी रोवे कबीर की माँ ये बारत कैसे जीवे घर गुराई। तनना बोलना सब तज दिया है कबीर हरि का नाम लिखा लियो है शरीर। जब लग धागा बाहु बेघी तब लग बिसरे राम समेत। औसीमती मेरी जात दुलाहा हरि का नाम लिया मैं लाहा। कहत कबीर सुनो मेरी माही कहे दाता तेरी रघुराई। कबीर भी गए
पास जाओ तो मस्तक लेके मत जाना, मस्तक को अपने घर रख के आना। सतगुरु का संग कीजिए तजिए और उपाय मोहनदास के, जो कोई गुरु के चरणों में जाए बोलो जय श्री राम। गुरु के चरण में जाना हो तो मस्तक अपने घर ही रख के आना, गुरु कहे एक एक शब्द को सांभ के रख लेना, कोई तुम्हारी संपत्ति है उसके लॉकर में बंद कर देना। दस्तूरी मोहब्बत एक दस्तूरे मोहब्बत एक भक्ति को मिटाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत एक भक्ति को मिटाना पड़ता है। जिस दुख में भरी
कर्म पाने के लिए कर्म पाने के सतगुरु को निधाना पड़ता है मत निकल जाना। पवन गुरु पानी पीता, पवन का स्वभाव तो अपना है, चले तो चले ना चले तो ना चले। तो कभी गुरु को खरीदने मत निकल जाना, पछताओ। कोई कहे गुरु हमारी मुट्ठी में आ जाए, तुम चाहो तो गुरु की मुट्ठी में जा सकते हो, लेकिन गुरु मुट्ठी में नहीं आ सकते। गुरु मुट्ठी में आ गया तो गुरु भी नहीं होता, वो तुम्हारे जैसा ही होगा। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बाबड़े बैठ भालू की। जय श्री राम। शांत हो गया, भूखा भजना हो गोपाल, गर्मी है, जोर को नहीं लागे, कितने में जोर लगेगा, तानो खुराक ही इतना की मिलती है, जो खुराक ने खोखला कर देता। बस खाना पीना रहना सहना सारा आदमी का हो गया। दस्तूर मोहब्बत बस एक ही हस्ती को मिटाना पड़ता है। गुरु के पास जाने से तो बिल्कुल निर्मा होके जाना, मिट के जाना, अहंकार को लेके गए पछता हो गए। मंदिर में गया, मस्जिद में गया, कहीं भी जाओ भटको, मार्ग पकड़ो, गुरु के पास जाने से तुम कुछ पा करके आओगे, खाली जाओगे, भर के आओगे। लेकिन पहले से तो भरा हुआ है, भालू की नाव कैसी हो गई? पत्थर की नाव तो पंडितों ने कहा है कि पत्थर की नाव, तो पत्थर की तो होती ही नहीं नाव, तो पत्थर तो पहले से डूबा हुआ है। एक नदी के किनारे बड़ा भालू, जैसे भाखड़ा की नहर आ रही है, बड़ी जबरदस्त राजस्थान जा रही है, उसमें कोई भालू गिर गया। तो गुरु चेला दोनों किनारे किनारे जा रहे थे। गुरुजी ने कहा, देखो बेटा ये कमल इम्पोर्टेंट कैसी बढ़िया जा रही है, बड़ी मुलायम है। हाँ गुरुजी, क्या करें, लगाओ छलांग। केला ने छलांग लगाई, बालू तगड़ा था, पकड़ लिया। दोनों गुथंगति होते रहे, काफी दूर तक चले गए। केला, हाँ गुरुजी, क्या हो गया तेरे कि महाराज कमली नहीं छोड़ती, कमली पकड़ लिया मेरे को, कमली पकड़ लिया मेरे को, घबरा मत, मैं आ रहा हूं। गुरुजी ने छलांग लगाई, गुरुजी की गर्दन पकड़ ली, भालू तगड़ा था, दोनों की गर्दन पकड़ता पकड़ता दोनों की तेज डिंगो लीला, दोनों को बे बापड़े बैठ भालू की। जय श्री राम। यही तो भालू की परिभाषा है। तो गुरु भी डूब जाते हैं, चेला भी डूब जाते हैं, तो आज यही हो रहा है। गुरु ज्यादा हो गए, चेला तो पड़ गए, महाभारत हो गया।
हर आदमी गुरु। टीवी को उठा के देखो तो पंचांग देखने वाले पंडित वो भी गुरु थी, गुरु थी। पंडित जी हाथ देखो पता हमें क्या लिखा, पांच दस तरह की हवा भर करके माइक में और बैठ जाते हैं। रोटी रोटी का मसला है, आराम से चल रहा है, घर बैठे टीवी पे भी फोटो आ रही है, एडवर्टाइज भी हो रहा है और पंडित जी का काम भी चल रहा है। भाई बहनों इन टेवा में कुछ नहीं रखा, ये टेवा सब झूठ है। जिंदगी तूने लहू लेके दिया, कुछ भी नहीं मेरे हाथों में लकीर के सिवाय, कुछ भी नहीं, लकीरें बदल जाती तीन साल में। तो गुरु कहे तो ठीक कहे, अगर मनमानी करो तो फिर पंचांग भी। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लगन धरे, कितना बड़ा विद्वान होगा, उसके विद्वता के कोई हकीकत कह सकता है, कोई लिख सकता है। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लगन धरे, सीता को हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरे। क्या हो गया पंचांग का, क्या हो गया इस मुहूर्त का, मुहूर्त भी बदल गया और राजगद्दी मिलती मिलती बनवास भी हो गया। ये तो बात है, कर्मों की रेख है वो टाली नहीं जा सकती। दस्तूर है मोहब्बत बस एक ही, हस्ते को मिटाना पड़ता है जिस दुख को, हर दे सहन करके उस दुख को उठाना। जरा गफलत हुई या नजर चुकी, ये काम करो लो मोह अहंकार ये दुश्मन है आपका। बाहर के दुश्मन से तो फिर भी राजीनामा हो जाएगा, लेकिन ये भीतर के जो दुश्मन है इसे राजीनामा का तो सारा राजीनामा ही राजीनामा। फिर ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सकल संग्रहण को बन आई बिसर गई सब तात पढ़ाई। ये समझती कहाँ से पाई, यही तो संतों से पाई, संतों की यही तो संपत्ति है, इनसे पाते हैं। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं, नजर नहीं आता, वही तुम नजर नहीं आता, तो क्या क्या नजर होती तो ढोल ढबा का बजते हैं, बड़ी खुशी से शादी होती है। और शादी होके जब लड़की माई का घर छोड़ के जाती है तो उसके अंदर से करुणा फूटती है, लड़का हंसता है, लड़की घूमती देखी बेटा आ जा दसले, जिंदगी भर तक रोएगा, मैं तो आजादी रहूंगी। जब बाल बच्चे हो जाते हैं, जब भी कहीं जाते हैं सफर करते हैं तो पति के गले के माने एक थैला तो हाथ में, एक अटे जे हाथ में, और बीबी जी क्या कहते हैं, एक छोटा सा मैं गले के हाथ में, चल कुड़ी चल, कुड़ी बना लिया उसके बेचारे को, चल घोड़ा टिक 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 टिक, जब बाल बच्चे हो जाते हैं तो और भी थोड़ा प्रेम
कम होने लग जाता है, भांडा खड़कने लग जाते हैं, वो प्यार नहीं होता। धीरे धीरे प्रेम उठने लग जाते हैं, बच्चों बच गया। अगर बूढ़े हो जाते हैं तो बाबा जी भी कहते हैं कि बस थक गया, माई कहते नहीं अभी नहीं, देखना कभी। आदमी के तो सिर ऐसे हिलेगा, लेकिन माई का सिर ऐसे हिलता है कि बेटा ठीक है, अभी चला मैं तेल निकालूंगी, मैं अभी क्या है, कुछ भी नहीं निकला तेरा। थोड़ा दिन बोलचाल बंद हो जाती है, तो बीवी अलग बैठ जाती है और घर वाला अलग बैठ जाता है, दोनों की बोलचाल बंद हो जाती है। बीवी खाना पका के रख देती है, सर्दी का मौसम है, हाथ से कारे हैं, लाला जी की धोती में आग लग गई, इशारा करें इसकी धोती तले हम क्या करें। ये नहीं कहते धोती तली है, किसी की धोती तले हम क्या करें, ठीक है ना। डायरेक्टर नहीं कहते धोती तली है, रोटी पका के रख देती, खाओ तो खाओ ना कुछ मन खाओ, रोटी पड़ी हुई भूख लगे तो खाओ ना खाओ कुछ मन। पोता पोती हो गए बड़े बड़े, दादी माँ हाँ बेटा तुम हनीमून मनाने गई थी, बहुत लगे हमें भी दिखाओ ना, तेरा दादाजी को पूछो। दादाजी कहाँ बेटा, तुम हनीमून मनाने गए थे, कितने गए थे तुम दसो। आके चलो बेटा, तेरी दादी ने पूछो, दादी ने कह दिया, दादाजी पूछो, चलो चलते हैं। हनीमून मनाने गए थे, वहां चले गए दोनों, बाबा जी एक तरफ, माई एक तरफ, बच्चे बैठे हैं। तो माई कह रही, देखो बेटा हम आए तो बे तोतार मैना दोनों यहाँ बैठे थे, अब भी यहाँ बैठे हैं। तो दादाजी कहते हैं, देखो मैना दूसरे तोता तो वही है, मैना बदल गई लेकिन तोता वही है। यो तो क्या क्या शादी बदल जाती है, तफासा हो गया। ये तो क्या क्या नजरी नहीं आता, कोई तुम सा नजरी नहीं आता। शादी होती तब कहता घर वाला, कोई तुम सा, ए बीबी बड़ी सोनी है, कोई तुम सा नजरी नहीं आता, यो तो क्या क्या नजरी नहीं आता। जिसको तरसती थी मेरी अखियां शादी न हो वो तो देख सकता है, लेकिन जिसकी शादी हो जाए वो भी औरतों की तरफ देखता है। क्या क्या नजरें नहीं आता।
थे तो एक बहुत फाइव स्टार होटल के बाहर बैठे हुए हैं, दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और एक दोस्त की घरवाली बड़ी खूबसूरत और वहां से निकली गुलाब का गजरा लगा करके जूला बना करके अबरो बना करके निकल ठुमक ठुमक चलती है। तो दोस्त कहता है हाय, तो दूसरा कहता क्या हुआ, कहते यार जिसके घर में ये लड़की है वो तो इतना स्वभावशाली होगा, कहते यार मैं थक गया तू ले जा इनको। अमृत में भी सी भोले कोई कुछ भी
दुनिया मतलब गाड़ी है, मतलब की खातिरदारी है। ये दुनिया मतलब गाड़ी है, मतलब की खातिरदारी है। सब के पीछे बोले हम झूठी कभी चली भग जाएगी तो याद हमारी आएगी। जब याद हमारी आएगी। अकेले रोले कोई झूठी कभी सबकी बातें हम सह लेंगे। आरती श्री सभी प्रेम भक्ति प्रेम भक्ति मन के रंग जो
Yeah.